हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी फोटेक। आज मैं आपको वोल्टास एसी के बारे में बताएगा, वोल्टास एसी और उसका रिमोट कंट्रोल। और मैं आपको दिखा देता हूं अभी वोल्टास एसी, ये जस्ट मेरा ऊपर में, और ये इसका रिमोट कंट्रोल है, देखो। ठीक है, उल्टा दिख रहा है। ठीक है, ये वोल्टास एसी, और मैंने ये इसको सेट किया है। थोड़ा वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लगाया है, तो इस घर में थोड़ा वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है। तो और ये वोल्टास एसी, अभी हम वीडियो में जाएगा जो भी वीडियो। ओके फ्रेंड्स, वोल्टास अपने हाथ में मिल गया नया एसी, तो इसलिए आप मेरा वीडियोस देख रहे होगा शायद। और वीडियो स्टार्ट करने के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आपका एसी रिमोट ख़राब हो जाता है। एक बार अपना जो एसी का ऑन रिमोट ख़राब हो गया तो ये मिलना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मॉडल नंबर होता है। उस अपना एसी में भी मॉडल नंबर होता है, ये पेयर डिवाइस है। क्या है, अगर अपना यूज़ हो गया, अपना यूज़ नहीं है, तो आप इसका पीछे का बैटरी खोल के रख देना, बैटरी अलग रखना। नहीं है तो कम से कम 6 महीने के बाद नेक्स्ट गर्मी का सीज़न आते हैं, जब तक ये बैटरी बाहर नहीं है तो ये रिमोट ख़राब हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, और ये रिमोट काम हो रहे नहीं हो रहे कैसे चेक करते हैं, हम देखेगा। ओके, इट इज़ वर्किंग। दूसरा भी एक टेक्निक है काम कर रहे करके, एक बार ये स्विच में आप दबा लेना, देखिए अंदर एक लाइट ज्वल रहे, आपको आंखों से ये नहीं दिखेगा, ये अल्ट्रा वायलेट रेस है, मतलब इंफ्रारेड रेस है, ये आंखों से नहीं दिखते है। ठीक है, ये अगर चल रहे तो अपना रिमोट ठीक है, इसलिए एसी ऑन हो गया है। चल अभी इसका फंक्शंस में बताएंगे। ऑन ऑफ स्विच है, सॉरी मैंने बताया ऑलरेडी एसी ऑन है, एक बार बंद करके, हाँ ऑन हो गया। ये ऑन ऑफ स्विच, इसमें मोड्स रहता है, मैं बोलूँगा मोड के, सबसे पहले इसको टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, आपको एनी टेम्परेचर में, टेम्परेचर प्लस एंड माइनस का स्विचेस है, प्लस एंड माइनस। देखिए अभी एसी 25 डिग्री में है, मैं चेंज किया इसमें दबा के 24 23। ओके, नॉर्मली टेम्परेचर 24 डिग्री में रखने से अच्छा है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी का करेक्ट टेम्परेचर है 24 डिग्री। उसके नीचे कर दिया तो 23 22 अप कर दिया तो आपको अच्छा लगेगा, बट क्या प्रॉब्लम होता है, आप जल्दी आप हमारा चमड़ी स्किन जल्दी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, और उसके वजह से हेडेक वगैरह बैक पेन वगैरह होते हैं। चल अभी 24 से ऊपर हम देखेंगे इसको 25, दिस इज़ अ गुड टेम्परेचर। ये रखने से इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं बढ़ते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और मोड स्विच में एक ऑटोमेटिक मोड होता है, अपने आप डिफॉल्ट कंपनी सेटिंग्स है। उसके बाद ये सिंबल है कूल का, कूलिंग इसमें होता है, और ये ड्राई है। अगर अपना रूम में कमरे में ड्राइनेस है, मतलब सॉरी ड्राई नहीं, पसीना पसीना हो रहे, उसको जल्दी जल्दी बाहर निकालने के लिए इसमें एक बार प्रेस करने से आपको 25 डिग्री में कूलिंग भी मिलेगा, प्लस एसी आपका रूम का अंदर का टेम्परेचर, मतलब का जल्दी कूलिंग करने के लिए और पसीना ह्यूमिडिटी भी निकालने के लिए ये जल्दी काम, पानी को बाहर फेंक देते हैं रूम का, कमरे का। ओके, और ये मोड ऑन करने से 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखना, मशीन खराब होने का चांसेस बहुत है। और नेक्स्ट मोड हीट मोड से क्या होता है, वार्म एयर आ जाते हैं, एकदम अपना हीटर जैसा नहीं है, फिर भी एक नॉर्मल टेम्परेचर
इतना कूलिंग नहीं होता है, ये हीटर अपने एसी मॉडल का ऊपर है। अगर हीटर है तो हीट अच्छा से हॉट एयर आएगा, नहीं है तो नॉर्मल एसी है तो वार्म एयर आएगा। ये इसका फंडा, ए ओनली फैन, ओनली फैन होता है ये फैन, है ना, ओनली फैन चलते हैं, नो कूलिंग कुछ नहीं, सिर्फ फैन काम करता है इसमें। ये हो गया अभी स्विंग बटन, स्विंग एसी का फ्लिप, ये फ्लिप आगे पीछे जाते हैं, स्विंग बटन, ठीक है। और एयर फ्लो, एयर फ्लो मतलब ध्यान से आप सुन लेना, स्विंग उसका फ्लिप के पीछे एक चीज होता है, उसका अंदर डायरेक्शन करने के लिए ऐसा चीज रखा है। अभी मैं दिखा लेता हूँ आपको। ये देखिए स्विंग का पीछे देख लेना, उसका आपको ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एक बार में आप ध्यान से देख लीजिए, एयर उसको चेंज चेंज हो रहे, अभी ये सब एसी में नहीं है। ओके आपने एसी को एक बार चेक करके देख लेना, स्विंग और एयर फ्लो मिला के आपको कोई भी आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड कहीं पे भी आपको ये हाँ एडजस्ट कर सकता है। राइट में ज़्यादा चाहिए तो राइट में एयर फ्लो 2-3 बार दबाने से राइट में ज़्यादा हवा फेंक देगा। और फैन स्पीड, फैन स्पीड नॉर्मल है, अभी मैं फैन मोड में रखा है। ये फैन का स्पीड आपको ये देखिए, अभी फैन का स्पीड आपको लो मीडियम हाई तीनों में कहीं पे भी आपको रख सकते हैं। अभी हाई हो गया, मीडियम लो, ठीक है। और टाइमर बटन, आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, जितना टाइम में एसी ऑफ करना है ऑन करना है ये सब टाइमर मोड में है। मैं दूसरा वीडियो में आपको दिखाऊंगा टाइमर कैसे सेट करना है करके। और स्लीप मोड, स्लीप मोड अगर आपको नींद आ रहे सोना है तो इलेक्ट्रिक ज़्यादा नहीं बैठना है, तो स्लीप मोड एक बार आप एसी ऑन करके सो रहे हैं तो बहुत नॉर्मली, अगर नॉर्मल में आप ऑन करके सो रहे हैं तो आपको एक फिक्स्ड क्लाइमेट में रहेगा रूम, जल्दी जल्दी आपका रूम ठंडा भी होगा। और स्लीप मोड एक बार प्रेस कर लेना, स्लीप मोड प्रेस करने में क्या होता है एसी अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं टेम्परेचर, अगर 24 में है तो 25, 26, 27 नीचे नीचे आके फिर लास्ट में अगर टेम्परेचर रूम में चाहिए है तो ये 24 में वापस कर लेते हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रिक बहुत कम हो जाएंगे। और ये TURBO टर्बो मोड, टर्बो मोड 12 बजे 1 बजे बहुत गर्मी हो जाते है, अगर रूम में आ गया बहुत पसीना है, 2-3 लोग शादी हो रहे या कुछ भी हो रहे, कुछ फंक्शन हो रहे, 10-15 लोग रूम का अंदर बैठा है, तो ये मोड आप प्रेस कर लेना। मतलब रूम में इतना इतना 10 लोग 12 लोग बैठा है तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएंगे, तो इसको कम करने के लिए आप टर्बो बढ़ने से एकदम फास्ट कूलिंग, एकदम पावरफुल कूलिंग, इसमें से पावर जा सबसे मैक्सिमम हवा फेंक देगा, मैक्सिमम पावर से ये ऑन करने से। ये ऑन अभी हम लोग मोड मोड फैन में रखा है, ये कूल मोड में काम करता है। कूल मोड में रखने के बाद एक बार टर्बो प्रेस कर लेना, ये देखिए मैक्सिमम हवा फेंक देंगे बाहर। और होल्ड बटन जहां पे जितना फंक्शन है इसमें एक बार ये लॉक हो जाते हैं, जितना अभी कहीं पे भी दबाने से काम नहीं, कुछ भी बटन नहीं दबाते हैं, एक एक टाइप का लॉक है ये, होल्ड हो गया पूरा फंक्शंस, जहाँ पे सेटिंग है वहीं पे होल्ड कर रखा है। एक चिल्ड्रन सेफ्टी भी है, बट हमको उतना अच्छा नहीं लगता है चिल्ड्रन सेफ्टी, क्योंकि और एक बार दबाने से ये लॉक हट जाते हैं, देखिए। और लैम्प, इसको डिस्प्ले में अब 25 आपको डिस्प्ले में 25 दिखेगा,
तो 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद डिस्प्ले ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर रात में आपको बेडरूम लाइट का ये काम देगा, बेडरूम लाइट का एक बार इसमें लगा दो लैम्प का, मैक्सिमम डिस्प्ले है आइए 25 डिग्री एसी का डिस्प्ले में बढ़िया से दिखाएंगे। और ना हो गया वोल्टास। और आप अगर एसी खरीदना है तो आप ले सबसे लेटेस्ट आप खरीद लेना, सबसे लेटेस्ट खरीदने से उतना आपको वैलिडिटी देगा। कभी भी आप सेकेंड हैंड एसी नहीं खरीदना है। और ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।